काफी ज्यादा चढ़ाई है यहाँ पे 2:30 बजे। लेकिन सीन कुछ ऐसा हो गया था कि मैं हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए व्लॉग में। तो जैसे आप सभी को पता है कि चुरा की सबसे फेमस यात्रा गडासुर महादेव की यात्रा शुरू हो चुकी है और आज हमारा यात्रा का पहला दिन है। तो हम लोग निकल चुके हैं, तो अभी हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं बहुत ही ज्यादा ऊपर। मुझे इस जगह का अच्छे से नाम नहीं पता है, लेकिन आप यहाँ का व्यू चेक कर सकते हैं। Wow, this is amazing. This is really, really amazing. ये काफी ज्यादा wow. चार बज रहे हैं और आप खुद ही देख सकते हो कुछ भी यहाँ पे, मतलब क्लियरली ज़्यादा दूर तक नहीं देख पा रहे हैं। जो हमारे दो बंदे हैं वो लकड़ी लाने के लिए चले गए हैं और मैं और ये राहुल अभी पानी लाने के लिए जाएंगे, फिर चाय बनाएंगे और चाय पियेंगे, खाएंगे पियेंगे और फिर इस ब्लॉग को ख़त्म करेंगे। तो गाइस, बात कर लेते हैं यहाँ की जड़ी बूटियों के बारे में। तो मतलब अभी तक मुझे ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मुझे इनकी जो खुशबू है वो महसूस हो रही है। तो शायद अभी तक तो मैं बहुत ही फ्रेश महसूस कर रहा हूँ, लेकिन आगे जाके अभी मुझे ये कोई साइड इफेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन फिलहाल आप अभी इस व्यू को एंजॉय कर सकते हो। अभी और चलने की हिम्मत बाकी नहीं है। ये जो उड़ान है लिटरली बहुत ज़्यादा टफ है और मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे से बोला ही नहीं जा रहा। यहाँ से देख के ऐसा लग रहा है कि हम लोग आसमान के ऊपर आ गए हैं और जो बादल हैं वो हमारे नीचे रह गए हैं। तो गाइस, हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे लगभग 2:30 बजे। लेकिन सीन कुछ ऐसा हो गया था कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, तो हमने जल्दी जल्दी टेंट लगा के मैं सो गया था। तो जो अभी टाइम बज रहे हैं वो बज रहे हैं 5:00 PM और अभी मैं आपको यहाँ से जो है बाहर का व्यू दिखाऊंगा और आगे इस रास्ते से आप अनुमान लगा सकते हो कि कितना ज्यादा पथरीला और बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं। बहुत सारे लोग अभी हमारे पीछे चल रहे हैं और जो हमारे आगे का रास्ता है वो कुछ इस तरीके का है। तो गाइस, जो मेरे पीछे आप अभी श्री नाग देवता का जो डल देख पा रहे हो, इसके बारे में ये मान्यता है कि आप इसको अपनी उंगलियों से टच नहीं कर सकते हो और ये सीजन के अकॉर्डिंग जो है इसमें पानी अप एंड डाउन होता रहता है। तो अभी आपको जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, पिछले साल या उससे पिछले साल इसके ऊपर तक पानी था, लेकिन इस मरतबा जो पानी की मात्रा है वो बहुत कम है। लेकिन हाँ, एक बात मुझे सबसे अच्छी लगी जो ये है कि ये कुछ लोगों को दिखता है और कुछ लोगों को नहीं दिखता है। इसके बारे में मैंने ऐसा सुना है कि इस डल के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और बहुत ही कम लोग इसको देख पाते हैं।
तो ये सच है या झूठ है ये मुझे भी नहीं पता। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फाइनली वो टाइम आ गया है जिस दिन के लिए हम 4 दिन से कंटिन्यू चल रहे हैं, तो बस कुछ ही देर और बाकी है। तो आज का जो हमारा ब्लॉग है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय शंकर।